हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन बुक क्लास 11th की, जो शारीरिक शिक्षा की बुक है। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है योग, यानी कि योगा, जिसको योगा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं योगा एंड हिंदी में कहा जाता है योग। तो योग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या उनका इम्पॉर्टेंस है, महत्व क्या है, योग कहते किसको हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, अष्टांग योग किसे कहते हैं, तो सब चीज़ों के बारे में इजी तरीके से जानेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और इसमें मुख्य बिंदु है जिसमें हमें तीन टॉपिक 3.1, 3.2 एंड 3.3 में हमें योग का अर्थ और महत्व समझना है। 3.2 में हमें योग के बारे में समझना है कि अष्टांग योग किसे कहा जाता है, 3.1 में अर्थ और महत्व, और 3.3 में हम जानेंगे यौगिक क्रियाओं का परिचय। अब ये यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, इजी तरीके से समझ आ जाएगा षटक्रम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो और आपको बता दूँ, इससे पहले जो चैप्टर थर्ड से पहले चैप्टर 1 एंड 2 है, उसकी मैं लेक्चर डाल चुकी हूँ चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा है। तो चैप्टर थर्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सबसे पहले 3.1, जिसमें हमें जानना है योग का अर्थ और उसका महत्व, उसका परिचय है। परिचय किसे कहते हैं, परिचय कहते हैं इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूरी है जानने, हमें योग का मतलब जानना है, अर्थ कहते हैं उसके मीनिंग को, महत्व कहते हैं इंपॉर्टेंस को। तो सो इसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। तो इसका सबसे पहले योग शब्द के बारे में जानते हैं, योग शब्द कहाँ से आया है। योगा शब्द किसी ने तो सबसे पहली बार इसका तो इस्तेमाल किया होगा किसी ने। तो जो योगा शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, उसको जो स्टार्टिंग हुई है योगा शब्द की उत्पत्ति, वो संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा से इस योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, संस्कृत के युज शब्द से, संस्कृत के जो युज शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना। युज शब्द का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। जोड़ना कैसे और मिलाना कैसे, जब हम योगा करते हैं तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से मिलाते हैं, तभी तो योगा करते हैं। जैसे हम झुकते हैं अपने पैरों को, अपने हाथों को पैर से छूते हैं, टच करते हैं अपने टो में, तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के हाथ पैर से मिल रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं हम अपने बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से, जोड़ते हैं या फिर हम मिला रहे हैं बॉडी के पार्ट्स को। तो ये है युज शब्द का मतलब, जोड़ना और मिलाना, जो कि संस्कृत का मूल शब्द है, और इसी से योगा जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग हुई है, उत्पत्ति हुई है। सेकंड पॉइंट है पतंजलि के अनुसार। अब योग को अलग अलग तरीके से सबने अपनी अपनी डेफिनेशन परिभाषाएं दी हैं, पतंजलि ने दिया है, महर्षि वेद व्यास ने कुछ और दी, महर्षि वेद व्यास ने कुछ और दिया है, पतंजलि के अनुसार कुछ और है, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने और कुछ कहा है। तो ये सबके अनुसार अपनी अपनी डेफिनेशन है, इसको जान लेते हैं। महर्षि पतंजलि इसको कहते हैं कि निरोध ही योग है। निरोध का मतलब होता है जब हमें कोई रोग ना लगे, हम बिल्कुल फिट रहें। महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि योग एक समाधि है, योग एक समाधि, योग जो है वो एक आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। जब हम कह सकते हैं हम अपने आप को, हमारी इतनी मेंटल एबिलिटी ऐसी हो जाए कि हमें नियंत्रण आ जाए अपने मन पे, हम काबू कर पाएँ, और अपने जो है आत्मा से परमात्मा की जो मिलन होता है उसी को योग कहा जाता है। भगवद गीता के अकॉर्डिंग जाने तो श्री कृष्ण उसमें कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, ये एक संस्कृत का श्लोक है जो कि गीता के अनुसार है। अब योग जो है, योगा करने से हम सभी जानते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं योग करने से। जब भी हम योग की बात करते हैं तो हम एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूड करते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी क्या बेनिफिट होते हैं, हमारे क्या क्या होगा, एक तो हमारे में स्पीड अच्छी हो जाएगी, हम फास्ट हो जाएंगे हर काम में, हमारा शरीर का जो पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, हम अच्छे तरीके से और जल्दी वो काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, हेल्थी रहेंगे हम, हमारे अंदर चिंता नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं।
तो जानते हैं योग का क्या क्या महत्व होता है। तो योग के 5 महत्व इसमें दे रखे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले शारीरिक महत्व। शारीरिक का मतलब होता है जो शरीर से रिलेटेड होते हैं। सामाजिक महत्व, जो कि समाज हमारे सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और मानसिक महत्व, जो हमारे दिमाग के लिए ज़रूरी होते हैं। और आध्यात्मिक, यानी जब हम ध्यान लगाते हैं उसके लिए उससे रिलेटेड है, ध्यान से संबंधित। और भावनात्मक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, भाव, हमारे भाव बिल्कुल ठीक रहते हैं। भाव का मतलब है कि हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। तो ये 5 आपको याद रखने इसके महत्व। इसको हम इन सब के कुछ पॉइंट्स से इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले शारीरिक महत्व। तो शारीरिक महत्व की जब भी बात आती है तो हम शरीर की शुद्धता की बात करते हैं कि हमारा शारीरिक स्वच्छता होती है। शारीरिक स्वच्छता मतलब हमारा शरीर बिल्कुल स्वच्छ रहता है। किस चीज़ से स्वच्छ रहेगा, किस चीज़ से हमारी बॉडी जो है वो साफ रहेगी, इस चीज़ से जो हमारी बीमारियां हैं वो हमारे बॉडी से बहुत दूर रहेंगी। अगर हम योग को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं और योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें हमारे अंदर बीमारी होने की संभावना बहुत कम रहती है। शारीरिक स्वच्छता आती है। रोगों से बचाव। रोग किसे कहते हैं? रोग कहते हैं बीमारियों को। अभी वही बात पड़ी, रोग डिजीजेस जो होते हैं उनसे बचाव रहता है, वो हमारे कोई बीमारी नहीं होगी। और थर्ड है शरीर को सौंदर्य बनाने हेतु, यानी इसका ईजिली अगर ट्रांसलेट करें तो शरीर की सुंदरता बढ़ती है। शरीर की जो ब्यूटी है, हमारी बॉडी की ब्यूटी इन्हेंस होती है। और फोर्थ है शरीर की सही मुद्रा है, तो यानी सही मुद्रा मतलब पोस्चर बिल्कुल ठीक रहता है। मुद्रा कहते हैं पोस्चर को। हमारे हम एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति है वो थोड़ा झुक के चलता है, इसका मतलब उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई है, वो ठीक स्ट्रेट होके नहीं चलता, वो धीरे काम करता है। अगर मुद्रा किसी की ठीक होगी, हमारा पोस्चर ठीक होगा, तो वो बिल्कुल कमर स्ट्रेट करके चलेगा और फास्ट अपनी स्पीड रखेगा हर काम में। तो यही है कि सही इंसान का बिल्कुल शारीरिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है, उसका पोस्चर ठीक रहता है। सौंदर्य बढ़ने से मतलब है कि ब्यूटी इन्हांस होती है हमारी बॉडी की। हम ज़्यादा मोटापे से दूर रहते हैं, अगर योग करते हैं तो मोटे नहीं होते और हेल्दी रहते हैं। हेल्दी हमारा बिल्कुल लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी रहता है। 5th पॉइंट में है मांसपेशियों को विकसित करने के लिए। मांसपेशियाँ कहते हैं हम हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारे जो बॉडी में जो मसल्स हैं, हमारा जो गोश है उसी को मांसपेशी कहा जाता है। तो उसको विकसित करने के लिए, विकसित मतलब उसका डेवलप करने के लिए, मांसपेशी को बढ़ाने के लिए, उस मांसपेशी में मजबूती लाने के लिए शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। शारीरिक स्वच्छता मांसपेशी में हमारा जो है डेवलपमेंट होता है। हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक। हृदय व फेफड़े मतलब हमारे हृदय यानी कि दिल, फेफड़े जो हमारे लंग्स हैं। कार्य क्षमता यानी कि कार्य करने की क्षमता, जो वह करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, इन्हेंस हो जाते हैं हमारे हृदय और फेफड़े क्या काम करते हैं। जैसे अगर हम अपनी सांस लेने की बात करें तो हम अच्छी तरीके से सांस ले पाएंगे और खुले हुए मन से सांस ले पाएंगे। हमारे कोई सांस में रुकावट नहीं आएगी। हमारे हृदय जो दिल है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, दिल की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फेफड़ों की कोई बीमारी नहीं होगी, फेफड़े अच्छे से करेंगे काम करेंगे। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो उसमें हमारी इनहेल एक्सहेल की जो वर्किंग एबिलिटी है वो अच्छे से हो पाएगी और वो सही तरीके से हमारा सब चीज़ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो सिस्टम है, वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा अगर हम योगा को अपनी लाइफ में अपनाते हैं। 7th पॉइंट है लचक में विकसित होगा, लचक में वृद्धि होगी, लचक विकसित में सहायक होगा। लचक कहते हैं फ्लैक्सीबिलिटी को। फ्लैक्सीबल, हमारी बॉडी फ्लैक्सीबल रहेगी। फ्लैक्सीबल का मतलब होता है कि हम अपने बॉडी के पार्ट्स को, हाथों को, पैरों को बिल्कुल तेज़ी से इधर उधर हिला सकते हैं, हमें दर्द नहीं होता। कुछ होते हैं लोग जिनकी बॉडी में लचक नहीं रहती, वो थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैरों को हिलाते तो उनके दर्द होने लगता है और वो जल्दी से कोई काम नहीं कर पाते। तो यही है कि अगर हम योगा करते हैं तो हमारी फ्लैक्सीबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी लचक में वृद्धि होगी, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे कि हाथ हैं, पैर हैं, हम बिना किसी दर्द के, बिना दर्द महसूस हुए अच्छे तरीके से हिला डुला सकते हैं, तेज़ी के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, जल्दी काम कर सकते हैं। तो ये जो सारे हमने 7 पॉइंट्स पढ़े, ये सारे शारीरिक, हमारे जो फिज़िकल है, शारीरिक कहते हैं फिज़िकल इम्पॉर्टेंस को, तो जो शारीरिक महत्व है ये योगा के आते जाते हैं 7। इनमें से आपको अगर कुछ 4-5 भी याद रहते हैं तो
कुछ पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सामाजिक, अगर हम बात करें सामाजिक, सोशल, सोशल हमारी जो रिलेशन है वो इन्हेंस होते हैं। सोशल रिलेशन जैसे कि सामाजिक सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारे समाज में लोग रहते हैं और समाज में जब लोग रहते हैं, हम समाज का एक हिस्सा है, तो हमें समाज में रहने के लिए अपने रिलेशन को डेवलप करना पड़ता है, समाज के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। तो योगा करेंगे तो हमारे भाव ठीक रहेंगे, और अगर हमारे भाव ठीक रहेंगे तो हमारा बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे लोगों के साथ। तो सामाजिक गुणों को विकसित करने में ये सहायक होता है, सामाजिक गुणों को विकसित करने में सहायक होता है योगा। सेकेंड पॉइंट है सामाजिक रिश्ते विकसित करने में सहायक होता है, यानी कि दो पॉइंट है सामाजिक के, क्या क्या, एक तो गुणों को विकसित करता है, समाज में जो लोग रहते हैं उनसे रिश्ते अच्छे हो पाते हैं, उनसे हम अच्छे तरीके से मेलजोल कर पाते हैं, हमारे गुण विकसित होते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो पाती हैं। तो ये सब हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारे जो सोसाइटी में जो स्किल्स हैं, हमारी बात करने के तरीका है, वो सब बढ़िया हो जाता है योगा से। अगर हम बात करें मानसिक की, तो मानसिक जो है वो दिमाग से रिलेटेड है, हमारे मानसिक संतुलन से रिलेटेड है, तो हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है योगा। हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है अगर हम योगा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तनाव से मुक्ति, तनाव मतलब टेंशन, टेंशन से मुक्ति मिल जाती है, मुक्त हो जाते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। कोई भी योग करेगा अगर डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, तो वो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तनाव रहित जीवन होगा बिल्कुल अच्छे से, उसको किसी चीज़ की चिंता होनी होगी, तनाव नहीं होगा, वो टेंशन नहीं लेगा, वो अच्छी तरीके से अपना खुशहाल जीवन गुजार सकता है। थर्ड है एकाग्रता बढ़ाने के लिए, फोर्थ है याददाश्त बढ़ाने में सहायक। याददाश्त यानी कि किसी की याददाश्त कम होती है कि उसको याद नहीं रहता, एग्जाम में याद नहीं रहता जितना याद करते हैं, तो याददाश्त बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है, वर्कआउट करना चाहिए, योगा करना चाहिए, आपकी याददाश्त इससे सही होती है। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, सहन शक्ति का मतलब होता है जो सहने की शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के चोट लग गई, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चोट लग गई, तो वो सह मतलब सहने की उसमें ज़्यादा क्षमता होगी, वो उसको एकदम से प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एकदम ऐसा नहीं होगा कि उसको वो सह नहीं सकता, उसके सहन नहीं किया जा रहा, तो सहने की क्षमता बढ़ती है, हमारे सहन करने की शक्ति बढ़ती है कि हम किसी भी चोट को सहन कर सकते हैं, हम एकदम से तनावग्रस्त नहीं होंगे कोई चोट लगने पर, तो इससे हमारी मानसिक संतुलन आता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी कि अध्याय से रिलेटेड कह सकते हैं, और उसे ध्यान से संबंधित कह सकते हैं, ध्यान बढ़ाने में सहायक होता है योगा, ध्यान अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से हम किसी भी चीज़ को सुन पाएंगे, तो ध्यान बढ़ेगा हमारा, आध्यात्मिक गुणों में भी विकास होगा, नैतिक गुणों को विकसित करने के लिए भी सहायक होते हैं। नैतिक यानी कि हमारे जो नैतिक गुण होते हैं, क्लोज रिलेशन होते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है योगा से, और आध्यात्मिक गुण भी बढ़ते हैं, ध्यान बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो आध्यात्मिक में यही आएगा। भावनात्मक, जैसे कि भाव से समझ आ रहा है, हमारे भाव, हमारे इमोशंस, तो इससे हमारे इमोशंस भी अच्छे रहेंगे। फर्स्ट है हमारा भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक स्थिरता आएगी, स्थिरता का मतलब है एक स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारे भाव में, इमोशंस में। कोई ऐसा होता है जो ज़्यादा ही जल्दी दुखी हो जाता है, ज़्यादा जल्दी रोने लग जाता है, तो उसकी स्थिरता आएगी, स्टेबल हो जाएगी उसके भाव। भावनात्मक परिपक्वता आएगी, विभिन्न भावनात्मक परिस्थितियों से निपटना सीखता है, यानी अलग अलग उसके किसी के अचानक से दुख आ जाते हैं, किसी के पास अचानक से ऐसा होता है सदमा लग जाता है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहता है अगर इंसान योगा करेगा, तो वो उसके भाव बिल्कुल ठीक रहेंगे, वो अच्छे तरीके से अपने भाव के साथ निपट सकता है, किसी दुख को झेल सकता है, एकदम से तनावग्रस्त नहीं होगा कोई भी ऐसी बात होने से। सकारात्मक मानसिकता रहती है, सकारात्मक कहते हैं पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव माइंडसेट को, तो बिल्कुल इंसान पॉजिटिव होके अच्छा सोचता है, कोई भी गलत चीज़ नहीं सोचता अगर योगा करेगा, तो उसकी पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, हर चीज़ के लिए वो अच्छा सोचता है। तो ये जो हमने पढ़े, ये पांच शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, ये आपको नाम याद रखने हैं, और आप इनके अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं, इतना आपने अब अंडरस्टैंड कर ही लिया होगा आई होप। नेक्स्ट है हमारा 3.2, जिसमें हमें पढ़ना है अष्टांग योग का परिचय। अष्टांग योग का परिचय में आपको जानना है अष्टांग योग क्या होता है। सबसे पहले
आपने समझ आ रहा होगा, जैसे कि अष्टांग वर्ड है, अष्टांग वर्ड से समझ आ रहा है कि ये आठ अंग की बात हो रही है। अष्टांग, अष्टांग किससे बना है, अष्ट से और अंग से, तो अंग जिसमें आठ अंग का उपयोग हो रहा हो तो वो है अष्टांग योग। तो और अच्छे से डिटेल में समझते हैं क्या होता है योग का मुख्य उद्देश्य। उद्देश्य कहते हैं कोई मेन एम या मेन मोटिव जो होता है, गोल जो होता है। तो योग करने का जो मेन एम होता है वो होता है अपने मन पर नियंत्रण पाना, अपने मन को काबू में रखना, अपने जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो उसमें पॉजिटिविटी लाना। ये संभव भी होता है यदि व्यक्ति अष्टांग, ये संभव भी होता है यदि व्यक्ति अष्टांग योग के द्वारा आठ तत्वों का पालन करे। वही बात आगे मैंने बताया, अष्टांग योग में आठ तत्वों का पालन करते हैं। और ऊपर बताया जो योग होता है उसका उद्देश्य क्या है, अपने मन पर नियंत्रण पाना, और आठ तत्वों का पालन करके हो सकता है, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा सुझावित है। ये आठ अंग किसने सुझावित है, महर्षि पतंजलि द्वारा। तो ये आठ अंग कौन कौन से होते हैं, उनको हम योगा के तत्व भी कह सकते हैं और योगा के अंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा आसन, फोर्थ प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सेवंथ जो है सातवां ध्यान, और नेक्स्ट एट्थ में आ जाता है हमारा लास्ट समाधि। तो ये सारे जो हैं ये आठ अंग हैं, टोटल एट हैं ये। तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर अष्टांग योग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये आठ नाम लिखने हैं और इनका डिटेल में लिखना होगा। थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले यम क्या होता है, यम सबसे पहला था ना, तो सबसे पहले अगर इनके बारे में आ गया तो आप यम लिखेंगे। यम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिख दीजिए ये अष्टांग योग का सबसे पहला अंग है। अष्टांग योग का ये सबसे पहला प्रथम अंग है यम, सबसे प्रथम ही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। यम जो है इस शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों एवं मन को हिंसांदि अशुभ भावों से हटाकर आत्म केंद्रित किया जाए। अब ये इतने टफ वर्ड दे रखे हैं तो इसमें आपको इसमें नहीं पढ़ना, इजी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आप जब आंसर लिखें तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकें। तो यम का मतलब होता है, सबसे पहले जानते हैं यम जो है सबसे प्रथम अंग है। दूसरी बात, यम जो शब्द है इसका मतलब होता है इंद्रियां, हमारी जो ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स का क्या होती हैं, हम सबने पढ़ा है कि हमारी फाइव ऑर्गन्स होती हैं, नोज हमारी, ईयर्स, आइज जिससे हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से, कान से सुन सकते हैं, हमारी टंग जो कि जीभ हम जिससे टेस्ट ले सकते हैं, तो ये सब हमारी इंद्रियां हैं। इन सब पर एवं मन को, हमारा जो मन है उसको हिंसांदी मतलब हिंसा, हिंसा का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़े करना, और अपने मन को हिंसा से दूर रखना, अपने मन को अशुभ भावों से, अशुभ भाव जो होते हैं जो शुभ नहीं होते, जो अच्छे नहीं होते, जो गलत भाव होते हैं, गंदे विचार होते हैं या कोई गलत चीज़ें होती हैं, उनसे हट जाता है अपना हमारा मन, गलत चीज़ों से हट जाता है, अशुभ भावों से दूर रहता है, हिंसा से दूर रहता है, और अपने हमारी जो इंद्रियां हैं वो नियंत्रण में रहते हैं, हमारी ऑर्गन्स और ये सब चीज़ें नहीं होती, और हमारा मन बिल्कुल आत्म केंद्रित रहता है, यानी मन जो होगा वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये है यम, इसमें पाँच चीज़ें आती हैं यम में। एक आता है अहिंसा, यानी कि अहिंसा नहीं करनी। कौन से एक फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने अहिंसा की बात बताई, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सत्य यानी कि हमें बिल्कुल सच बोलना है। थर्ड अस्तीय, फोर्थ ब्रह्मचार्य का पालन करना है, जैसे कि ब्रह्मचार्य हम कह सकते हैं हिंदुइज्म में ऐसा है, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, सत्य, ये पांच तत्व, अपरिग्रह, ये पांच यम है, ठीक है। तो ये पांच यम आपको याद रखने होंगे, सबसे अस्तीय, ब्रह्मचार्य, अपग्रह, अहिंसा और सत्य। सेकेंड जो आता है हमारा, सेकेंड है नियम, तो दूसरा वाला है हमारा नियम। नियम में सबसे पहले लिख देंगे ये अष्टांग का दूसरा अंग है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है योग अंगों में दूसरा आधारभूत अंग है, दूसरा वाला नियम है। नियम, नियम का अर्थ जानते हैं, नियम का अर्थ होता है योगी को शौच, संतोष, तय, स्वाध्याय तथा ईश्वर पर प्राणिधान करना ही होगा। इसका मतलब है कि हमें कोई भी इंसान कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंसान व्यक्ति का परमात्मा से मिलन, आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तो उसको हम योग की डेफिनेशन में अपना लिख सकते हैं। तो वही चीज़ नियम में आ जाएगी, हमारे कायदे कानून होने चाहिए एक, और ईश्वर परिधान करना ही नियम कहलाएगा। थर्ड है आसन, आसन में क्या होता है, आसन वर्ड जो है उसका मतलब होता है हमारा पोस्चर।
पोस्चर की हम पहले ही बात कर चुके हैं, किसी भी मुद्रा में, मुद्रा कहते हैं वही पोस्चर को, किसी भी मुद्रा में स्थिरता, स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, मुद्रा मतलब कोई भी एक ऐसी पोजीशन जिसमें हम बैठता है, इंसान बैठता है, खड़ा होता है या लेटता है किसी भी ऐसी पोजीशन में, और वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकता है सुखपूर्वक। सुखपूर्वक मतलब बिल्कुल सुखी होकर, उसको कोई दुख नहीं होगा, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। कभी कभार होता है कि हम जब हम ऐसी हालत में बैठते हैं, लेटते हैं या खड़े होते हैं कि इंसान को तकलीफ होती है, दर्द महसूस होता है, तो आसन में बता रखा है कि एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसा पोस्चर रखना है कि इंसान बिल्कुल सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है, बिना टेंशन के, बिना किसी भी तकलीफ के वो अच्छी तरीके से बैठ सकता है। जिसे करने से योगी का मन स्थिर रहता है, यानी कि मन बिल्कुल स्थिर रहेगा, मन स्टेबल रहेगा, मन में कोई तनाव, योगी का मन स्थिर रहता है। इसका मतलब है कि हम जब भी कोई भी इंसान योगी होता है, जो इंसान योग करता है, जो योगा करता है उसको योगी कहा गया है, तो उसका जो मन है वो बिल्कुल ठीक रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट है, इसे करने से प्रत्येक अंग प्रत्यायंग को कार्यशीलता मिलती है। कार्यशीलता यानी अगर कोई भी आसन अपना ठीक रखेगा तो उसकी कार्यशीलता बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वो एक काम करने के बाद थक जाएगा, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो बिना थके कई ज़्यादा काम कर सकता है। कार्यशीलता मिलती है, वह सक्रिय होके, पॉजिटिव होके, स्वस्थ यानी कि हेल्थी रह के, और लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल होके बिल्कुल कोई भी काम कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आसन के हैं। प्राणायाम में आपको याद रखना है, जो कि हमारा फोर्थ वाला है प्राणायाम, यह है फोर्थ। तो प्राणायाम में है लिखा हुआ है, आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास लेने व श्वास को छोड़ने की स्वाभाविक गति का विच्छिन्न होना प्राणायाम कहलाता है। बेसिकली अगर हम इजी इसका ट्रांसलेट करें तो इसमें ये लिखा है कि आसन, जो इंसान का आसन होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा आसन क्या होता है, पोस्चर, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर बिल्कुल ठीक है, सीधी रहे तो उसको हम कहेंगे आसन। आसन स्थिर रहता है, आसन हमारा बिल्कुल ठीक रहता है, स्टेबल रहता है, कोई दर्द नहीं होता उसको बैठने उठने में। तो अगर आसन ठीक रहेगा तो हमें क्या होगा, श्वास लेना, श्वास कहते हैं सांस लेना, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठीक रहेगा। प्राणायाम में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की गई है कि हमारा जो सांस लेने वाला सिस्टम है, जिसमें हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो वो सब बिल्कुल अच्छे तरीके से हो पाएगा, सांस की कोई बीमारी नहीं लगेगी। श्वास लेना व श्वास को छोड़ना, सांस लेना या फिर सांस को छोड़ना, इसकी गति, इसकी जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी स्पीड। इस क्रिया को करने से तन व मन की शुद्धि होती है। तन व मन यानी हमारे तन की भी और हमारे मन की भी, मन की शुद्धि होती है, पॉजिटिव मन रहता है, शुद्ध हो जाता है हमारा मन, और हम तन यानी कि हमारा जो शरीर है वो भी बिल्कुल हेल्थी रहता है। नेक्स्ट है प्रत्याहार, फिर फिफ्थ वाला। प्रत्याहार में क्या लिखा है, प्रत्याहार द्वारा साधन का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, यानी कि पूरा अधिकार हो जाता है। प्रत्याहार करने से साधक का, साधक जो भी योग कर रहा है, उसका इंद्रियों पर, इंद्रियां मतलब अपनी ऑर्गन्स पर बिल्कुल नियंत्रण हो जाता है, उसकी ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक तरीके से काम करती हैं। ऑर्गन क्या होती हैं, अभी बताया था, आँख, नाक, जीभ, कान, ये सब ऑर्गन्स हैं, हमारे स्किन। और किसी भी जो भी प्रत्याहार करेगा तो उसका शब्द, शब्द मतलब जो वो बोलता है, स्पर्श यानी कि उसके जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का तरीका है, वो जो शब्द किस तरीके से शब्दों को बोलता है, रूप उसका जो दिखता है वो किस तरीके से, रूस, गंध, गंध यानी वो जो स्मेल करता है नोज से, तो हर कोई अपनी स्मेल लेता है तो उसको जो गंध आएगी, ये सब चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। आदि आसक्ति व्यक्ति को आत्मकल्याण के रास्ते से दूर हटाती हैं। तो आत्मकल्याण के रास्ते से भी वो दूर हटता है व्यक्ति। आत्मकल्याण यानी कोई ऐसी थिंकिंग नहीं आएगी कि सुसाइड वाली थिंकिंग, तो ये सब बिल्कुल बैलेंस रहेगा, तो हमारी हेल्थी लाइफस्टाइल रहेगी तो ऐसी थिंकिंग, आत्मकल्याण वाली, अपनी सुसाइड करने वाली, खुद की हत्या करने वाली थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं आती, अथवा मन को विचलित करता, मन बिल्कुल हमारा स्टेबल होगा और ठीक रहेगा, हेल्थी रहते हैं हम। प्रत्याहार सिद्ध होने पर योगी अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर सकते हैं। वही बात लिखी है जो फर्स्ट लाइन में लिखी है कि इंद्रियों पर विजय हासिल हो सकती है, सुख का अनुभव होता है, बिल्कुल सुखी से जीवन गुजार सकता है व्यक्ति, और प्रत्याहार के द्वारा वो बिल्कुल दुखी नहीं होगा, अपने सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा धारणा।
धारणा में आ जाता है। प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रियां एवं मन एक प्रकार से स्थूल विषय से हटकर सूक्ष्म लक्ष्य आत्मा परमात्मा आदि पर ध्यान केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। धारणा किसे कहते हैं? अभी यहाँ पर हमने पढ़ा आत्मा परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना, अपने परमात्मा के बारे में भी सोचना। अब स्थूल विषय हमारी जो इंद्रियां हैं वो काबू में आ जाएंगी अगर हम प्रत्याहार करेंगे, तो हमारा जो मन है वो हम और चीज़ों के बारे में भी सोच पाएंगे। यानी कि स्थूल विषय होते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे दुनिया की चीज़ें हम कह सकते हैं। सूक्ष्म विषय जैसे हमारे परमात्मा से संबंधित, जो सूक्ष्म कहते हैं छोटे को, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, स्थूल मतलब होता है बड़ा। तो बड़े विषय से हटकर हम थोड़े अपनी छोटी छोटी थिंकिंग पर भी ध्यान देने लग जाएंगे, हम अपने गोल को समझेंगे, परमात्मा के महत्व को समझेंगे, इन सब पर ध्यान देंगे, तो यही धारणा में आएगा। नेक्स्ट है ध्यान। तो ध्यान के समय एकमात्र विषय लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान मतलब जैसे कि अभी आप ध्यान देके लेक्चर को सुन रहे हैं, या हम कोई भी वीडियो देखते हैं ध्यान देकर, हम कुछ पढ़ते हैं तो ध्यान देकर। एकमात्र विषय, विषय होता है हमारा जो टॉपिक है, और लक्ष्य होता है ध्यान से ये संबंधित है कि कोई भी एकमात्र विषय होता है, हम किसी चीज़ में भी ध्यान लगाते हैं। एकमात्र मतलब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे हमें ध्यान लगाना है, हमारा गोल है कि वो कंप्लीट हो जाए हमारा चैप्टर का एग्जांपल लेके, तो हमारा ध्यान बिल्कुल केंद्रित रहेगा ध्यान से। अगर हम योगा करते हैं, जैसे ध्यान के समय सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य विषय का स्मरण नहीं करना अपितु उसी अन्य यार्मी ब्रह्म के आनंद ज्योति में एवं शांति में स्वरूप में मग्न हो जाना ध्यान कहलाता है। जैसे कि ज्योतिष वगैरह आपने देखे होंगे, वो बिल्कुल ध्यान लगा के मंत्र पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से बिल्कुल अच्छे ढंग से ध्यान लगा के कंसंट्रेट करके हमें अपना कोई भी विषय पर ध्यान लगाना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो ध्यान से ये सब हमें फायदे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा समाधि। समाधि में क्या आता है? समाधि और जो ध्यान है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। जैसे कि ध्यान लगाते हैं हम अपने विषय को समझते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। जैसे कि ज्योतिष का एग्जांपल दिया, ध्यान व समाधि में इतना ही भेद है, बस एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है कि समाधि कि ध्यान में तो क्या होता है, ध्यान करने वाला जिस मन से जिस तत्व का ध्यान करता है वो तीनों ध्याता ध्येय और ध्यान क्या बताया इसमें वो विद्यमान रहते हैं। क्या बताया ध्यान के बारे में? ये बताया कि ध्यान करने वाला कोई भी व्यक्ति है जो ध्यान कर रहा है, किसी चीज़ में कंसंट्रेशन कर रहा है अपना, तो वो व्यक्ति मन से अपने माइंड से जिस तत्व का ध्यान करता है वो तीन तत्वों के बारे में बताया, एक ध्याता और एक ध्येय और एक ये ध्यान। ये तीन तत्व होते हैं जो विद्यमान रहते हैं, जो हायर पोजिशन पर रहते हैं। परंतु समाधि में क्या होता है? समाधि में केवल परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर का ध्यान, केवल समाधि में केवल परमेश्वर के आनंद में, शांति में, ज्योति में स्वरूप एवं दिव्य ज्ञान आलोक में आत्मा निमग्न हो जाती है। वहाँ तीनों में भेदभाव नहीं रहता, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन की अनुभूति होती है। वही पॉइंट आ गया, आत्मा की जब परमात्मा से मिलन होता है, आप समाधि में ये लिख सकते हैं, समाधि में सबसे इजी पॉइंट है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और ध्यान और समाधि में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस माइनर से डिफरेंस है कि इसमें ध्यान में तीन तत्व आ जाते हैं, ध्याता ध्येय और ध्यान, यही विद्यमान होते हैं। लेकिन समाधि में क्या होता है कि परमेश्वर की बात होती है, हम डिवाइन अपने जो कंसंट्रेट करते हैं या हम जो भी ध्यान करेंगे वो डिवाइन पाथ से करेंगे, यानी कि गॉड से, परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलन, इन चीज़ों में भेदभाव नहीं होता। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट 3.2 तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हमारा 3.3 वाला टॉपिक बचा है जो कि लास्ट है, योगिक क्रियाओं। योगिक क्रिया मतलब योगिक किसे कहते हैं? योगिक यानी कि जो योग करता है वो योगिक है, वो योगिक है। और योगिक की क्या 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 क्रियाएँ होती हैं, वो कौन से क्रिया करता है? क्रिया मतलब काम करता है, कौन से योगी काम करेगा? षट क्रम का परिचय, षट क्रम क्या होते हैं इनको पे जानेंगे। षट क्रम किसे कहते हैं? योगिक क्रिया, शुद्धि क्रिया। योगिक क्रिया को हम शुद्धि क्रिया भी कह सकते हैं, शुद्धि क्रिया भी कहा जाता है, जिसमें 6 क्रियाएं आती हैं। षट क्रम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो षट क्रम है, षट जैसे कहते हैं ना, ष से षट कौन, तो ष मतलब 6 क्रम वाला, षट मतलब 6, क्रम मतलब काम, 6 क्रम वाला, 6 क्रियाएं, ये बात आ गई यहाँ पर, 6 क्रियाएं। इसमें क्या होता है? 6 क्रियाएं होती हैं। आगे लिखा है, 6 क्रियाओं के जरिए मनुष्य के सारे
शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। ये 6 क्रियाएं कर लेगा इंसान तो मनुष्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। शुद्धिकरण का मतलब है शुद्ध होना, बिल्कुल साफ होना, शुद्धि आना, हेल्थी रहना, स्वस्थ अच्छी रहना। तो मनुष्य की पूरी बॉडी बढ़िया से शुद्ध हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा ये 6 क्रियाओं को, षटक्रम को अपनाने से। इनके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य में सुधार आता है। वही बात, एक तो शुद्धिकरण आता है, शरीर अच्छा हो जाएगा, शरीर की सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, सांस लेना अच्छा हो जाएगा, सौंदर्य बढ़ेगा और भी कोई तकलीफ नहीं होगी, तनाव से दूर रहेगा। तो यही है शुद्धिकरण का मतलब कि सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और मानव के स्वास्थ्य में सुधार आता है। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ में, जो उसकी हेल्थ है, ना ही वो बहुत मोटा होता है, ना ही वो बहुत पतला होता है, वो बिल्कुल ठीक रहता है, फिट रहता है। आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होती है, ऐसा नहीं कि वो बाहर बाहर से ठीक है और अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, वो आंतरिक यानी कि जो अंदर का सिस्टम है, बॉडी के अंदर का सिस्टम, वो बिल्कुल ठीक से काम करता है, उसका बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें होती हैं और आंतरिक बिल्कुल शुद्धिकरण हो जाता है। इन क्रियाओं का संचालन किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए, लेकिन ये जो 6 क्रियाएँ हैं वो किसी व्यक्ति की देखरेख में ही करनी है, ऐसे अकेले में ये हम क्रियाएँ नहीं कर सकते। तो ये 6 क्रियाएँ, तो इन 6 क्रियाओं, ये कौन कौन सी क्रियाएं आगे देखेंगे और इनसे क्या होते हैं, शरीर में शुद्धिकरण, स्वास्थ्य अच्छा और आंतरिक शुद्धता यानी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी भी बात कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर का होता है, ये सब बढ़िया रहते हैं। षटक्रम के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या महत्व है, षटक्रम की 6 चीज़ें हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम षटक्रम के लाभ जान लेते हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्यों ज़रूरी है ये, तो कुछ पॉइंट्स से इसको समझिए। षटक्रम करने से, 6 क्रम को षटक्रम कहें, षटक्रम करने से मनुष्य के शरीर की शुद्धता होती है, शुद्धि आती है, मुख्य अंगों को सक्रिय बनाता है, सक्रिय यानी कि बिल्कुल अच्छे अंग रहते हैं, उसकी पॉजिटिविटी रहती है मनुष्य के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सारी अच्छी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। शरीर के शुद्धिकरण में लाभकारी, फिर वही पॉइंट, शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण में बहुत सारे सब पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। मनुष्य के मस्तिष्क यानी कि दिमाग के शुद्धिकरण में भी सहायक होते हैं, एक तो शरीर का शुद्धिकरण होगा और एक दिमाग, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी, तनाव नहीं होगा। विभिन्न अंगों के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, अलग अलग अंगों का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। डिटॉक्सिफिकेशन हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य अच्छी रहे, उसी में अलग अलग अंग जो हैं शरीर के वो पार्ट्स फिट रहें, फ्लेक्सिबल रहें। विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि क्या होती है, अगर एक और फायदा है षटक्रम का, कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य करने की जो क्षमता है, हम कोई भी काम बिना थके कर सकते हैं, दो काम भी बिना थके कर सकते हैं, इंसान कोई थकेगा नहीं जल्दी से, एक काम करने के बाद थक जाता है फिर दूसरा काम नहीं होता, तो इंसान की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है रक्त संचालन बेहतर होता है, रक्त यानी वही ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा और जो आंतरिक चीज़ें हैं उसमें ये वाला रक्त संचालन आ गया तो ये सब बढ़िया हो जाएगा हमारा रक्त वाला जो सिस्टम है। तो ये कौन कौन सी होती हैं 6 क्रिया, एक तो होती है कपालभाति, सबसे पहली कौन सी हो गई, कपालभाति। दूसरी है नैति, नैति के बाद थर्ड नंबर पे है त्राटक, फोर्थ है धोती। ये थोड़े नाम आपको याद करने में हो सकते दिक्कत हो, बट ये कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो अच्छा इजी से हो जाएगा। नेक्स्ट है नोली और फिर लास्ट वाली है बस्ती। तो ये हैं 6, ये ऐसे, ये इसमें 6 चीज़ें आ गई। कपालभाति जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, सांस लेने से, शव जब कोई भी इंसान सांस लेता है, शव तंत्र जो होता है उससे ये संबंधित है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना कपालभाति कहलाता है। नीति यानी कि जल घी वाला धागा नासिका के आसपास, नासिका जो हमारी नासिका होती है या नस होती है, नस को कहते हैं वीन्स, नासिका के आर पार करके मुँह से निकालना, आर पार करके मुंह से निकालना ये नेति कहलाता है।
इसको अभी और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा। त्राटक कहते हैं एक जगह लगातार देखते रहना, यहाँ पर आंखों से संबंधित है, एक जगह लगातार तब तक देखते रहना जब तक आंखों से पानी ना आने लगे। धोती जो है उसमें लंबी पट्टी को चबाना और फिर निकालना। और जो नेक्स्ट है नोली, नेक्स्ट नोली में आ जाता है पेट की मांसपेशियों को दाएं बाएं जोर जोर से घुमाना। इसमें हमारा आ जाता है मांसपेशी कहते हैं मसल्स को, हमारी जो मसल्स होती हैं जैसे कि हमारी हाथ की मसल्स, पैर की मसल्स, उनको लेफ्ट टू राइट स्पीड से हिलाना और हमारी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है तो हम आसानी से हिला सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं हमारे हाथों को, पैरों को, मांसपेशियों को। मांसपेशी यानी वही होते हैं मसल्स जो होती हैं हमारी। और बस्ती लास्ट है उसमें लिखा हुआ है नाभि तक शरीर को पानी में डुबोना, फिर पेट को हिलाकर पानी को गूदा से बाहर निकालना। तो ये इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। एक होता है हठ योग, षटक्रम को हठ योग भी कहा जाता है। हठ योग अगर आपने सुना होगा, हठ योग एक प्रोसेस होता है, योग करने का ही प्रोसेस है एक हठ योग। हठ योग के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। जब हठ योग करते हैं तो उसमें 6 भाग आते हैं, टोटल 6। और जो 6 भाग आते हैं वो निम्न प्रकार से, यानी कि जो नीचे लिखे हुए हैं ये सब हैं जिन्हें हम षटक्रम भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? षटक्रम, अभी हमने पढ़ा षटक्रम के बारे में। षटक्रम हठ योग को भी कहा जाता है। 6 भाग होते हैं और जो कि निम्न प्रकार से हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नीति क्रिया, सेकंड है धोती, फिर थर्ड है बस्ती, फिर है नोलिका, नोली क्रिया, फिर त्रटक क्रिया, ये सब आ जाते हैं इसमें। नीति, धोती, बस्ती, नोली, त्रटक और कपालभाति। कपालभाति सांस से जो संबंधित था। नीति में आ जाता है नासिका मार्ग को साफ शुद्ध करने की एक क्रिया। नीति जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, नासिका मार्ग जो होता है, जो नासिका हमारी जो वीन्स हैं, हमारी जो नस हैं, उनका जो मार्ग है, रास्ता है, उसको साफ करना, उनको शुद्ध करने की एक क्रिया होती है नीति क्रिया। धोती क्रिया होती है आहार नली की सफाई, यानी कि नासिका जो हमारी नस की सफाई हो गई वो नेति क्रिया में आ गया नस की सफाई। धोती में आ गया हमारी जो खाना खाते हैं आहार, आहार नली होती है जो हम जब भी खाना खाते हैं, फूड पाइप होता है, उसकी सफाई से संबंधित है धोती। तो थर्ड है नोली, नोली में आ जाता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आमाशय के अंगों की मालिश होती है और सशक्तिकरण होता है। आमाशय के अंगों की मालिश और सशक्तिकरण, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था नोली की, जब हमने बात करी तो हमने ये रहा मांसपेशी की बात करी थी। मांसपेशी की हमने बोला था इधर उधर लेफ्ट टू राइट हम घुमा सकते हैं बिना किसी दर्द के, हमारी हाथों को पैरों को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो वही नोली में आ जाता है। ये एक अंगों की मालिश होती है, इसमें क्या करेंगे ऐसे हमारे अंगों की मालिश हो जाएगी और सशक्तिकरण मतलब शक्ति बढ़ेगी अगर हम इस तरीके से करते हैं अपने मसल्स के साथ, अपने हाथों पैरों के साथ। नेक्स्ट है नेति वाला जो था वो नासिका मार्ग वाला था, नासिका जो नस की सफाई से रिलेटेड था। धोती वाला जो खाने से संबंधित था, हमारे जो फूड पाइप है उसकी सफाई से। नोली मतलब हमारी जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल करना, बॉडी की मालिश करना, अपने अंगों की मालिश करना। बस्ती जो है उसमें आंत को धोने व सुदृढ़ बनाने की तकनीक, यानी कि जो हमारी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी आंतें हैं उसको हम धोते हैं पहले और धोने के बाद वो सुदृढ़ होती हैं। सुदृढ़ मतलब एक तो वो मजबूत बन जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, तो इसी तकनीक को कहते हैं आंतों के धोने की तकनीक। बस्ती में आ जाएगी, जैसे कि हमने इधर अपना पढ़ा था बस्ती में नाभि तक, हमारी जो नाभि होती है पेट की, उस तक शरीर को पानी में, पहले पानी में अपने शरीर को डुबोना नाभि तक, फिर पेट को हिलाना और फिर पेट को गूदा से बाहर निकालना। ये वाली जो बस्ती है इसमें ये वाली प्रोसेस बस्ती में इंक्लूड हो जाएगा, आंत को धोने वाली। कपालभाति, कपालभाति कहेंगे जो मस्तिष्क है हमारा, दिमाग है, उसके अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक। वही कपालभाति मतलब सांस की, सांस वाली तकनीक आ जाएगी। जैसे हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें शुद्धिकरण आता है और मस्तिष्क हमारे दिमाग का जो अग्रभाग होता है, आगे वाला भाग, उसकी शुद्धिकरण होती है। और जो सांस लेने की जो टेक्निक है वो कपालभाति में इंक्लूड होती है।
त्राटक का मतलब होता है गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया एकाग्रता की शक्ति के लिए, यानी हमारा ध्यान लगाने की प्रक्रिया त्राटक में आ जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन की जो पावर है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है, उसकी पावर इन्हेंस होती है हमारी शक्ति के लिए। तो ये सब थे, इसमें थोड़ा सा ब्लर है, इस फोटो के अकॉर्डिंग दे रखा है ये शर्ट क्रम सारा। ये है नेती, और फिर सेकंड में है धोती, और फिर थर्ड में है बस्ती, फिर है फोर्थ त्राटक, वही एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, कपालभाति सांस को इन्हेल एक्सहेल करने के लिए, नौली। तो ये सारे षटक्रम के शुद्धिकरण की यौगिक क्रियाएं हैं जो एक कोई भी यौगिक कर सकता है, छह क्रम की। तो ये छह नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वगैरह आएंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, एमसीक्यूज़ भी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी। हमारी एक वीडियो में कंप्लीट हो गया है चैप्टर, वन शॉट वीडियो थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें एंड ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर किसी और चीज़ पे वीडियो बनानी है तो आप ज़रूर मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।